तो मैं साउ साउ चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में और मार्केट की स्ट्रैटेजी देने की, और मार्केट में कैसे रहेगा और कल कैसे रहेगा स्ट्रैटेजी, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं, आज निफ्टी 50 इंडेक्स में देखते हैं। हम इसलिए निफ्टी 50 इंडेक्स देखते हैं क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स आपको सही ट्रिक बता देगा, यानी उसका अंडर में जो 50 स्टॉक है उसका जो रेंज या उसका जो टारगेट रहता है, उसका बुलिश ट्रेंड या बेयरिश ट्रेंड, वो ट्रेंड हमको पता करने के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स को हम देखना पड़ता है। तो ये रहा निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 इंडेक्स आप देख रहे हैं, ये कैंडल, ये हुआ वन डे कैंडल चार्ट है। वन डे कैंडल में देखिए बहुत दिन से बुलिश ट्रेंड बना है। बुलिश ट्रेंड के बाद आज जो बना है, आज डोजी कैंडल बना है जिसे देख पा रहे हैं रेड कैंडल का। आज जो हाई बनाया था ये 10,393 का हाई बनाया था, अच्छा बुलिश मूवमेंट में हाई बना के जहाँ क्लोजिंग देना था वहीं पर क्लोजिंग दे दिया, यानी 10,300 यानी आसपास आपका जो रेंज रह गया, सपोर्ट रेंज रह गया आपका 10,250 हो गया फर्स्ट सपोर्ट, और सेकेंड जो रह गया मेन लेवल 10,000। जब तक 10,000 के ऊपर ही है आप बुलिश ट्रेंड मान लीजिए, जब तक 10,000 ब्रेकआउट नहीं होते तब तक आप एग्जिट मत होइए, क्योंकि वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बन सकता है। 10,000 के पास सपोर्ट जोन है, ये भी याद रखिए, वहाँ से भी बुलिश हो सकते हैं, किंतु ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए। वो आगे का जो रेजिस्टेंस है 10,500 आपका रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस जोन है, दोनों लेवल है, वहाँ पर आसपास आने ही आप प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर सेलिंग जोन प्रेशर पैटर्न बन सकता है। ये रहा जो ऑफ बोलिंजर बॉन्ड का बैंड का ऊपर लेवल 10,500 याद रखिए, और नीचे का 10,000 याद रखिए, ये दोनों का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हो गया कल। आज जो स्ट्रेटेजी बना है RSI देखिए, बुलिश डाइवर्जेंसी अभी भी 65 के पास है, यानी और ऊपर जाने के लिए बहुत स्ट्रेंथ बाकी है, देखना पड़ेगा और कितना ऊपर जा सकते हैं, किंतु ग्लोबली ठीक होना चाहिए। ग्लोबली अगर ख़राब आ गया तो ये ट्रेंड रिवर्सल बन सकता है। आपको पहला चीज़ ध्यान देना है 10,000 इम्पोर्टेंट लेवल, 10,000 ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट, और निफ्टी बैंक का चार्ट देख सकते हैं, आज भी अच्छा मूवमेंट दिया निफ्टी बैंक चार्ट, और 22,000 जैसा हम बात किए थे, 22,000 कल का टारगेट हमारा हिट हुआ, और 22,000 से वहाँ से रिवर्सल बन के फिर 21,780 पर आज क्लोजिंग दिया, यानी आपका जो लेवल रहा फर्स्ट लेवल 23,000 आपका रेजिस्टेंस हो गया, नीचे का जो लेवल रहा 21,000, जब तक 21,000 से ऊपर है तब तक ये ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, और ऊपर का जो लेवल देख रहे हैं 22,281 इसे आसपास आने के बाद आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफ बोलिंजर बैंड का ऊपर लेवल में आ जाएगा। और ध्यान देना है जिस सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देता है किसी भी लेवल पे, वो अगर तोड़ देता है तो आपको वहाँ पर एग्जिट होना है, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेट में स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड लगाना है। और नीचे का जो अब ये दिखाई दे रहे हैं RSI परफेक्ट है, क्योंकि निफ्टी 50 का तरह नहीं है, क्योंकि निफ्टी बैंक का जो RSI है अभी भी ऑफ, मैंने और स्ट्रेंथ बाकी है ऊपर जाने के लिए, ये देखना है कहाँ तक ये जा सकता है। ये वन डे कैंडल चार्ट देखा जाएगा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद बता दिया, उसी हिसाब से आप ट्रेड करिए। आज का हम देख पा रहे हैं जो USD INR, ये भी देखना जरूरी है। USD INR आपको अगर मजबूत दिखाई दिया, हमें हमारा IT सेक्टर मजबूत रहेगा, IT सेक्टर, और ये आज जो बेयरिश रेट दिखाई दिया यानी डाउन है, यानी हमारा इंडियन रुपीस मजबूत है, इंडियन रुपीस मजबूत है, सारा आधा कंपनी तो इंडियन रुपीस में काम करता है, तो इसलिए इंडियन रुपीस मजबूत होने से हमारा मार्केट को थोड़ा बुलिश साइन मिलता है। तो ये रहा इंडिया वीक्स 30 पे है, और जो आज टॉप गेनर स्टॉक है IBL फाइनेंस, RBL बैंक और बजाज ऑटो, ये अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। नीचे का जो बेयरिश स्टॉक है WIFRO, जाइब्रम ग्रुप और LIC फाइनेंस, ये तीनों बेयरिश स्टॉक है। एक स्टॉक जो आपको बार बार देख पा रहे हैं IBL फाइनेंस, IBL फाइनेंस में इसलिए बुलिश हो रहे हैं, बहुत बुलिश हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ का एक न्यूज आया था जो फाइनेंशियल न्यूज़ में, जो फॉरेन इन्वेस्टर है स्टैनली ने बहुत इसमें इन्वेस्ट किया है, मैंने वर्क डील के हिसाब से ने इन्वेस्ट किया, इसीलिए उसका जो अब न्यूज आ रहा है अपर सर्किट 2-3-4 लगाने के बाद ही ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है इसमें इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट किए फॉरेन इन्वेस्टर। तो IBL के ऊपर हमें ज़्यादा भी बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसका जो चार्ट दिखाई दे रहा है
ये तो वॉलिंजर बैंड से ऑफ बाहर है, देखना पड़ेगा ये कितना और जा सकता है। ये तो अगर नीचे आने से 200 के पास में आप बाय करने से आपको सही रहेगा। रहा आई वी लर्निंग फाइनेंस। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा वीडियो, कैसा लगा और कमेंट शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं अभी नया नया यूट्यूब चैनल खुला हूँ, तो सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और इसके लिए आपको मैं अच्छा अच्छा वीडियो फ्री में आपको बहुत सारे टिप्स सिखा दूंगा, जो पैसा देकर जो आपको चैनल में सिखा रहे उसको मैं आपको बहुत अच्छा चीज़ फ्री में सिखा सकता। तो यही रहा मेरा स्ट्रैटेजी, आप देख लिए फिर बैंक में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।